लोकसभा चुनाव में तेलंगाना का मूड पीएम मोदी जी का साथ है और बहुत अच्छा से हमारा विजय होगा। संदेश खाली में जो हुआ है ये तो आज से नहीं, काफी सालों से यह चल रहा है। माताओं का ऊपर, बहनों का ऊपर इतना बड़ा जुलूम, जितना भी कोशिश करे टीएमसी वो चुप नहीं बैठेगा। लोग संदेश खाली का कारण ही ममता बनर्जी और टीएमसी का पतन होगा। तेलंगाना में आज से हमारा पार्टी ने विजय संकल्प यात्रा शुरू किया है। सारू जगह से विजय संकल्प यात्रा शुरू हुआ है। मुझको बताया गया कि आदिलाबाद से आप जाके शुरू करवा दीजिए, मैंने आया और असेंबली चुनाव का बाद कार्यकर्ता का इतना उत्साह उमंग रहेगा वो मैं सोचा भी नहीं था। तो मैं तो इतना ही मान के चलता हूँ कि लोकसभा चुनाव में तेलंगाना का मूड पीएम मोदी जी का साथ है और बहुत अच्छा से हमारा विजय होगा। एनसीडब्ल्यू की टीम संदेश खली गई थी, जिस तरीके से वहां पर हिंसा हो रही है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं रिपोर्टर्स से। देखिए, संदेश खाली में जो हुआ है ये तो आज से नहीं, काफी सालों से यह चल रहा है। माताओं का ऊपर, बहनों का ऊपर इतना बड़ा जुलूम, स्टेट गवर्नमेंट का वो नॉलेज में भी था और ये पूरा एक सिंडिकेट चल रहा था। तो आज ये देश का सामने आ गया है। जितना भी कोशिश करे टीएमसी वो चुप नहीं बैठेगा। लोग संदेश खाली का कारण ही ममता बनर्जी और टीएमसी का पतन होगा, ये मैं मानता हूँ। इस बीच एक और बड़ी कयास लगाई जा रही है कि कमलनाथ जी और उनके बेटे नकुलनाथ भी अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी। देखिए, मैं जो लोग कांग्रेस में है उसका ऊपर मैं अटकलें नहीं लगाता हूँ, वो मेरा काम नहीं है। अखिलेश यादव से सीट शेयरिंग पर बातचीत हो रही है, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो शामिल नहीं। आप देखिए, जहाँ जहाँ न्याय यात्रा आगे बढ़ रहा है वहाँ वहाँ कांग्रेस कोलैप्स हो रहा है। जैसे पहले असम आया, अभी असम का सारे कांग्रेस विधायक भाजपा से जोड़ गया, बंगाल में गया टीएमसी का साथ गठबंधन टूट गया, बिहार में गया झारखंड, बिहार का सरकार का पतन हो गया, झारखंड में गया झारखंड का सीएम का ही पतन हो गया, अभी यूपी जा रहा है, यूपी में भी अखिलेश यादव का साथ झगड़ा हो गया। तो जहां ज्यादा जहां जहां ये न्याय यात्रा जाएगा वहां वहां कांग्रेस के लिए अन्याय होते रहेगा।